नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य पंडित यतीश कुमार अपने YouTube चैनल वायु के प्राकृतिक चिकित्सा में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बालों का सिक्के आकार में गिरना, उसके लिए एक बहुत ही सफल सरल देसी घरेलू प्रयोग बताया था। इस वीडियो में हम आपको सभी प्रकार की खांसी के लिए एक ऐसा देसी सफल सरल घरेलू प्रयोग बताएंगे जिसे आप बनाकर प्रयोग कर सकते हैं और आसानी से लाभ उठा सकते हैं। योग बहुत ही सफल और सरल है। और तो दोस्तों, इसमें एक और हम आपसे बताना चाहेंगे कि जिस जड़ी बूटी के नाम यदि आपको समझ में नहीं आते हैं तो हम उनके नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको पहली औषधि है हमारी मिश्री, ये मिश्री आपको 80 ग्राम लेनी है। दूसरी औषधि है हमारी वंशलोचन, ये वंशलोचन आपको 40 ग्राम लेनी है। ये सफ़ेद सफ़ेद क्रिस्टल जैसे होते हैं, ये वंशलोचन आपको 40 ग्राम लेनी है। तीसरी औषधि है हमारी छोटी पीपल, ये छोटी पीपल आपको 20 ग्राम लेनी है। और चौथी औषधि है हमारी छोटी इलायची, इसे सफ़ेद इलायची भी कहते हैं, ये छोटी इलायची आपको 10 ग्राम लेनी है। और पांचवी औषधि है हमारी दालचीनी, ये दालचीनी एक पेड़ की छाल होती है, तो ये दालचीनी आपको ये 5 ग्राम लेनी है। अब आपको क्या करना है, ये मिश्री और ये वंशलोचन ये आपको अलग से पीसनी है, इनका पीस करके छान करके बारीक पाउडर बना लो। और उसके बाद छोटी पीपल, छोटी इलायची और दालचीनी इनको आप अलग से पीस करके पाउडर बना लें। अब पांचों औषधियों को अच्छी तरह मिक्स करके रख लें। 1 ग्राम दवा सुबह, 1 ग्राम शाम को, जिन्हें सूखी खांसी है वे शहद या मलाई के साथ ले सकते हैं, और जिन्हें कफ की खांसी है यानी इन्हें कफ ज़्यादा आता है वे शहद और अदरक के रस के साथ ले सकते हैं, यानी लगभग 6-7 बूंद अदरक का रस और 10-12 बूंद शहद मिला करके और उसमें 1 ग्राम दवा मिला करके आप चाट सकते हैं। जिन्हें खांसी ज़्यादा है वो 3 बार भी ले सकते हैं। और बच्चों के लिए आप आधा आधा ग्राम सुबह शाम दे सकते हैं शहद में मिला करके। ज़्यादा छोटे बच्चों को इसे ना दें क्योंकि छोटे बच्चे खाने में दिक्कत करते हैं, तो 2 साल से छोटे बच्चों को इसे ना दें। और इसके साथ ही आपको परहेज़ करना है, यानी ठंडे और खट्टे जो भी आइटम हैं जैसे दही, चावल, उड़द की दाल, अरबी, गोभी, बैंगन, खटाई, इसका आपको परहेज़ करना है। और एक बात और ध्यान रखें, शुगर के रोगी कृपया इसे ना लें क्योंकि इसमें मिश्री की मात्रा होती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही सफल और सरल प्रयोग है, इसे आप प्रयोग करें और लाभ उठाएं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल वाई के प्राकृतिक चिकित्सा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आगामी वीडियो में फिर मिलेंगे किसी महत्वपूर्ण योग के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।